नमस्कार, सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबर भोपाल से। हॉस्टल में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले पर सीएम सख्त हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। दुष्कर्म मामले में डीसीपी का बयान आया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मामला दर्ज किया गया है। भोपाल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से रेप का यह पूरा मामला, और अब सीएम ने इसे लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के मिसरौद का यह पूरा मामला है। निजी बोर्डिंग स्कूल है ये। हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को दाल चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेसुध किया गया। जिसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति इसमें गठित की गई है। मेडिकल रिपोर्ट मैडम क्या कुछ निकल कर आया? मेडिकल क्या हो गया है बच्ची का? हाँ, मेडिकल हो गया है। सेक्सुअल असोल्ट का ही अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ऐसा कुछ भी हुआ हो तो मैं साथ खड़ी हूँ उसके। यदि ऐसी कोई चीज है, उनके पास प्रूफ है। अकेले बोलना प्रूफ नहीं होता है कि आपने किसी के भी ऊपर ऐसा नाम लगा दिया। हम लोग भी उस चीज को समझते। और बच्ची से रेप मामले को लेकर कांग्रेस ने वार किया है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। हॉस्टल में मासूम बच्ची से रेप को लेकर कहा है कि रेप छेड़छाड़ महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर वन है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश नंबर वन है। जल्द जांच कर पीड़िता को इंसाफ दिलाएं। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश छेड़छाड़, बलात्कार और महिलाओं के साथ निरंतर हो रहे अपमानजनक घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर एक पर है। सबसे बड़ी चिंता की ये बात है कि इस सरकार के रहते जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाएं, हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और इधर कांग्रेस के हमले को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज हो गई है। एसआईटी का गठन हो गया है। सीएम ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। कांग्रेस नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस को महिला अपराध पर बोलने का हक नहीं। देखिए, महिला अपराध पर राजनीति करने वाले कांग्रेसी दोगले हैं और दोहरा चरित्र रखते हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जो अपने मंच पर महिला विरोधी और महिला अत्याचार करने वाले नेताओं को पनाह देते हैं, उनको जगह देते हैं। कोई टंच माल कहता है, कोई आइटम कहता है, और किसी के बंगले में महिला प्रताड़ित होकर आत्महत्या करती है, और लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी चुप होकर वहां से चली जाती है। ऐसे कांग्रेसी ज्ञान न दें। भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है महिला अत्याचार के प्रति। हमारी सरकारों ने फांसी पर चढ़ाने की भी सजा है, जो कानून है वो सबसे पहले हमारी सरकार में बनाया। उक्त मामले में एसआईटी गठित की जा चुकी है, त्वरित संज्ञान लिया जा चुका है। संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई नहीं बचेगा। पर कांग्रेस कम से कम ये घृणित राजनीति बंद करे। तो बयान आप सुन रहे थे। इस पर शर्मिंदा भी हुआ जा सकता है, इस पर हंसा भी जा सकता है। बहरहाल, खबर उज्जैन से। उज्जैन नाबालिग छात्रों के यौन शोषण का मामला सामने आया। आश्रम में पढ़ने वाले छात्रों का शोषण, और दांडी आश्रम के छात्रों ने आरोप लगाया है। 2 आचार्यों पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
और जबर